होली दिवाली या फिर किसी भी खास मौके पर गुजिया तो हर घर में बनता है, लेकिन कई बार गुजिये तलते समय फट जाते हैं, जिस वजह से लोगों के गुजिये खराब हो जाते हैं। पर आज मैं रजवाड़ी रसोई में आपको परफेक्ट गुजिया रेसिपी सिखाऊंगी और साथ ही हम इसकी हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे। लेकिन इससे पहले आपको हमारे चैनल रजवाड़ी रसोई को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो फ्रेंड्स, गुजिया बनाने के लिए ये मैंने कुछ सामग्री ली है। ये मैंने किशमिश लिए हैं और ये लिए हैं काजू। ये मैंने लिया है 2 चम्मच मावा, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2 चम्मच है। और इसके अलावा ये मैंने ली है बूरा चीनी, ये 1 छोटी कटोरी बूरा चीनी है। और जितनी मैंने बूरा चीनी ली है उतनी ही मैंने यहाँ पर सूजी ली है, मतलब 1 छोटी कटोरी यहाँ सूजी ली है। तो आपको इनकी क्वांटिटी सेम रखनी है। और ये मैंने लिया है नारियल का पूरा। तो ये सारी चीजें हमारी हो गई। इन चीजों से हम स्टफिंग रेडी करेंगे, पर उससे पहले हम लगाते हैं मैदे का डो। जी हाँ, गुजिया बनाने के लिए ये डो रेडी करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने 1 बड़ा कटोरी मैदा लिया है जिसे मैंने छान लिया है। तो अब इस मैदे के अंदर हम डालेंगे गरम घी। आपको मैं ये बता दूँ कि इस जो पूरे प्रोसेस को, मतलब घी डालकर आटा लगाने के प्रोसेस को, हमारे यहाँ पर मोयन कहते हैं। आपके यहाँ पर क्या कहते हैं आप, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो देखिए, जो गरम घी मैंने डाला है ना, उसी से मसल मसल कर मुझे अच्छे से ये मैदे का डो रेडी करना है। आपको मैं ये बता दूं कि गुजिया की जो रेसिपी होती है ना, उसमें फटाफट सब कुछ तैयार हो जाता है अगर आपको पूरा प्रोसेस सही से पता हो। तो वो ही प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, ये 2 चम्मच घी मैंने और डाल दिया है। और अब इसे पूरे को अच्छे से मल मल कर मैं गुजिया का आटा लगा लेती हूँ। आपको मैं ये बता दूं कि इससे, मतलब घी डालकर ये जो आटा लगाने से क्या होगा कि बहुत ही अच्छा आपका गुजिया बनेगा। और ये जो मैंने अभी मुट्ठी जैसी बनाई थी ना, अगर ये मुट्ठी जैसी बन रही है, मतलब आपका परफेक्ट जो है वो घी डला है, आपको और ज़्यादा नहीं डालना है। और अब ये देखिए, ये जो मैंने पानी लिया है, ये हल्का गुनगुना पानी है और इसी से ही आपको आटा लगाना है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये देखिए, ये मेरा जो मैदा है उसका डो रेडी है। अब 5 मिनट तक इसे सेट होने के लिए मैं रख देती हूँ। जब तक हमारा ये डो सेट होता है, तब तक हम यहाँ स्टफिंग रेडी करते हैं। और इसी के लिए मैंने ये 2 चम्मच घी हमारी कढ़ाई में डाला है। कढ़ाई में घी हमारा मेल्ट हो चुका है, गर्म हो चुका है, और इसमें मैंने डाल दी है सूजी। तो अब हम सूजी को 2 मिनट के लिए भून लेंगे, मतलब जब तक इसका कच्चापन नहीं चला जाता तब तक हमें सूजी को भूनना है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से चला चला के सूजी को भून लेती हूँ। आपको मैं ये बता दूं कि गुजिया भले इंडिया में फेमस हो, लेकिन ये टर्की की रेसिपी है और सबसे पहले ये आया था इस्तांबुल से। जी हाँ, आपको ये जानकर हैरानी होगी, है ना, इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो ये मैंने यहाँ पर बातों बातों में मावा भी डाल दिया है। भाई, काम भी करते जाएं और वीडियो भी देखते जाएं, मतलब बातें भी करते जाएं, आपसे इंटरेक्शन करना बहुत ज़रूरी है हमारा, इसीलिए मैंने सोचा काम भी करते हैं और बातें भी करते हैं। और मावा जो है वो डाल के आपको बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है। आप जब उसे थोड़ा सा ही चलाएंगे ना, तो ये देखिए कलर चेंज हो गया है। और ये मैंने इसमें काजू टुकड़ी भी डाल दी है, मतलब जो काजू हमने लिया था ना, उन्हें मैंने क्रश कर लिया था। और ये अब मैंने डाल दिया है नारियल, नारियल का पाउडर और किशमिश। तो ये हमने सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी है। चीनी जो है वो हम बाद में मिक्स करेंगे, क्योंकि अगर हमने अभी से चीनी मिक्स कर दी ना, तो चीनी जो है वो हल्का बहुत भी पानी छोड़ देगी। ये जो हमारा गुजिया होगा ना, आप इसे कहीं पर भी पैक करके भेज सकते हैं, कई दिन तक इसे स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। आपको मैं ये बता दूं कि ये जो गुजिया है ना, सबसे पहले इंडिया में फेमस हुआ था बुंदेलखंड में, और उसके बाद यूपी के लोग जो है वो इसे बहुत खाने लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने लगा ये यूपी में। और फिर जहाँ जहाँ पर भी यूपी का बॉर्डर टच होता है, वहाँ वहाँ ये गुजिया फेमस हो गया। और इसी बीच ये मैंने इलायची पाउडर डाला था। ध्यान से आप देखते रहिए एक एक स्टेप को, और जो कहानी है वो भी एंजॉय करते जाइए। तो इलायची पाउडर क्या करता है, वो फ्रेग्रेंस को भी अच्छा कर देता है और टेस्ट को भी बढ़ा देता है। और ये इलायची पाउडर डालकर मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट इसे और चला लेना है। इससे क्या होगा, इससे आपकी स्टफिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो जाएगी। और फिर आपको इसे थोड़ा सा ठंडा करना है। तो फ्रेंड्स, स्टफिंग हमारा रेडी हो गया है। गैस को मैं टर्न ऑफ कर देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर इस बॉल में मैंने हमारी स्टफिंग को रख लिया है, ये इसमें ठंडी होती रहेगी। और अब 5 मिनट के बाद हमारा आटा भी सेट हो चुका है, है ना, दोनों काम हो गए हैं। और अब इस स्टफिंग में मैं हमारा शुगर मिक्स कर देती हूँ।
जी हाँ, मैंने आपको कहा था ना कि आपको बाद में शुगर मिक्स करना है, तो अब हमें इसमें शुगर डाल देना है और इसे अच्छे से हम चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। आपको मैं ये बता दूं कि ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इतनी ही चीनी डालें। आप इसे थोड़ा टेस्ट करें, अगर आपको लग रहा है बिल्कुल परफेक्ट चीनी है तो इसमें और चीनी ना डालें, वरना आप अपने मन के अकॉर्डिंग और भी ज़्यादा चीनी ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कोई भी रिजिड रूल नहीं रखते कि आपको इतना ही डालना है। आप टेस्ट करें और उस हिसाब से चीज़ें सेट करते जाएं। तो ये हमारी स्टफिंग जो है वो अच्छे से रेडी हो गई है। और अब ये देखिए, ये मैंने क्या किया है, हमारे आटे की मैं ये पूरियाँ बेल रही हूँ। जैसे हम छोटी छोटी पूरियाँ बनाते हैं ना, वैसे ही हमें एक लोई लेके इसकी पूरियाँ बेल लेनी है और उसी पूरी से हम गुजिया बनाएंगे। वो कैसे, तो आपको ये पहले दिखा दूँ कि बहुत अच्छे से ये मैंने ये पूरी बेली है और फिर मैंने लिया है ये गुजिए का सांचा। जी हाँ, ये गुजिए का सांचा है और ये सांचा आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगा। और इस सांचे पर इस तरीके से आप अपनी पूरी को सेट कर दें और अब इसके अंदर हम स्टफिंग फिल करते हैं। आपको मैं ये बता दूं कि एक गुजिए में एक या डेढ़ चम्मच से ज़्यादा स्टफिंग आएगी ही नहीं, तो है ना कितना अच्छा काम। तभी मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कम स्टफिंग में ज़्यादा गुजिया बनाकर दिखाऊंगी। और अब इसे अच्छे से आप पैक कर लीजिए। आपको ये ध्यान रखना है कि गुजिए को आपको अच्छे से पैक करना है, क्योंकि आपने अच्छे से पैक नहीं किया तो ये तलते वक्त फट जाएगा। तो बिल्कुल अच्छे से इसे पैक कर लें और एक्स्ट्रा जो मैदा है उसे आप हटा लें और उसे बाकी बचे हुए में ऐड करते जाएं। और इस तरह से एक परफेक्ट गुजिया आपको बनाकर रेडी कर लेना है, ताकि जब आप सांचा खोलेंगे ना तो आपको गुजिया कुछ इस तरह से दिखेगा। तो देखिए हमारा गुजिया कितना परफेक्ट बना है, और ऐसे ही परफेक्ट गुजिए आपको भी रेडी करने हैं। और इसी तरह से आपको सारे गुजिए जो है वो बनाकर रेडी कर लेने हैं और उन्हें एक प्लेट में रख लेना है। टन टनान, गुजिए हमारे रेडी है और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। और ये फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। और ये देखिए, ये हैं एक एक करके हमारे गुजिए जो मैं इस गरम तेल के अंदर डालती जा रही हूँ। आपको ये बता दूँ कि जितना आपकी कढ़ाई में आपको स्पेस दिख रहा है ना, आप इजीली और अच्छे से उनमें अपने गुजिए डाल सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अपने गुजिए को आपको ना दोनों तरफ से फ्राई करना है, इसलिए आप उन्हें उलट पलट भी करते रहें। तो ये देखिए, मैं दूसरे गुजिए भी हैं जो हमारे बनाए हुए, वो भी हमारी कढ़ाई में डालती जाती हूँ और साथ साथ ही मैं इन गुजियों को अच्छे से फ्राई भी करती रहूँगी दोनों तरफ से उलट पलट करके। और आपको ये सारा काम जो है वो मंदी आंच पे करना है, ताकि आपका गुजिया अंदर से कच्चा ना रह जाए। क्योंकि अगर आप तेज आंच पे करेंगे तो गुजिया बाहर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा, इसलिए आपको बिल्कुल मंदी आंच पे इन गुजियों को फ्राई कर लेना है। और फ्राई करने के बाद ये कुछ इस तरह से गोल्डन कलर के हो जाएंगे। देखिए कितने खूबसूरत हमारे गुजिए तैयार हुए ना। और इसी तरह से आपको अपने सारे गुजिए तल लेने हैं और उन्हें एक प्लेट में निकाल लेना है जो गुजिए तले गए हैं। तो ये देखिए, हमारे गुजिए फटाफट बनकर रेडी हो रहे हैं, बिल्कुल मेहनत नहीं लगी है और बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, रजवाड़ी रसोई में गर्मा गर्म ये गुजिए तैयार हैं। तो ये इंस्टेंट गुजिया रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही हमारे रजवाड़ी रसोई को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है आपको। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।